नमस्कार पशुपालक साथियों, साथियों आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर के। तो बहुत भाइयों की फरमाइश थी कि ताऊ जो देवीलाल जी हैं उनकी दोबारा से कोई वीडियो और बनाएं। तो आज की जो वीडियो है वो हम लेकर के आ रहे हैं जो पशु बोलते नहीं हैं। बहुत भाइयों की कमेंट आते हैं, फोन आते हैं कि जी हमारा पशु टाइम से बोल नहीं रहा, ज्ञापन नहीं हो पा रहा। तो आज उसकी जो उसी पर्पज में आज बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, ताऊ से बात कराते हैं, पुराने नुस्खा जो इनके जो देसी जो जुगाड़ हैं, देसी जो फार्मूला हैं, आज उनसे आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं और बात कराते हैं। तो नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार जी। ताऊ जी सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दी। भैया गांव मानपुर से नाम देवीलाल है। गांव मानपुर से ताऊ जी जो बिलोंग करते हैं और जो कि पलवल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में पड़ता है। तो ताऊ जी आज कौन से टॉपिक पे बात करनी है? आज बात करनी है कि जो पशु हीट में नहीं आते, आज उनके बारे में कुछ ऐसा कुछ बताएं जिससे पशु हीट में भी आ जाए और नेचुरल तरीके से आए, तो ऐसा कुछ बताइए। तो भैया ऐसा है, जो पशु हीट में नहीं आ रहो जी, 1 kg गोरलियोस 1 किलो जी, और उसमें कम से कम 3 किलो 2.5 किलो पानी डालो जी, और वहां में भैया मतलब ये कम से कम 5 से 6 छटों तेल लारो। एक पाव तेल यानी 250 ग्राम, 250 ग्राम 1 किलो गुड़ लेना है और पानी कितना लेना है जी? 2.5-3 किलो पानी ले लो, 3 किलो, 3 किलो पानी लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है और 250 ग्राम पानी उसमें तेल लेना है, सरसों का तेल जो सरसों का जी, और उसे भैया उजीनो लगाए गए आग पे धर के उसे अच्छो खदकाओ जी, उसमें बदला पड़न लगे जी। आप उसको जैसे प्राकृतिक तरीके से जैसे आग पे रख करके और उसको पानी, पहले पानी डालना है, पानी डालना है, फिर गुड़ डालना है, फिर तेल डालना है, एक ही दम करना है सगरा काम। तीनों चीजों को पहले पानी डालें, फिर गुड़ डालें, हाँ, और फिर तेल डालें, तेल डालें, डालने के बाद उसे पकने दें, पकने दें। तो ऐसा पकाओ उसे जिसमें हमें खूब बदला पड़ने लगे, बढ़िया। जब तक मैं अपने पशुपालक साथियों को बताना चाहूंगा कि 1-2 उबाल जब तक उसमें नहीं आए, 2-3 उबाल आ जाए तब तक उसे पकने दें, पकने दें, और तो उसे ऐसी टाइम से धरें 5 बजे 4 बजे, एक जब मतलब युवक सोमती टाइम वो ठंडा फैले वो गुनगुनों से जब उस पशु प्याओ। आपको वो जैसे शाम को 5 बजे बनाना है, हाँ, बनाने के बाद उसको 2-3 घंटे बाद ठंडा होने दे, जब वो नीम गरम हो जाए, गुनगुना, हाँ, टाइप में हो जाए, पशु का मुंह नहीं जले, नहीं जले, तो ऐसे टाइम पे वो आप उसमें उंगली डाल के देख सकते हो, बिल्कुल जब हल्का धीमा ही गरम हो तो आपको वो नीम गरम पिलाना है, और तो शाम के टाइम सोते टाइम आपको ये देना है, देना है? हाँ जी। अच्छा जी, तो कब तक और कितना देना है? और भैया ऐसा है, आज दे दी हुए औंठी बनाए गए जी, तो एक दिन छोड़ो बीच में। मैं अपने साथियों को बताऊं कि हमने एक औंठी की एक फार्मूला गुड़ तेल का काढ़ा हमने डाला हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, तो उस टाइप का ये बनेगा। तो ये आपको कितने टाइम देना है? ये देना है जी, एक दिन छोड़ के दो, और मतलब 2 दिनों एक एक दिन छोड़ के दो, फिर 3रे दिन आ जाओ, 5-6 औंठी ऐसी भैंस है दे दो, गाय हो भैंस हो, वो आगे हो जाएगी, बोल जाएगी। 5-6 दिन तक लगातार देना है? हाँ मतलब जी, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, 5-6 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन देना है, हाँ, 5-6 दिन के अंदर अंदर आपका पशु नेचुरल हीट में आ जाएगा और अच्छे से गर्भ धारण करेगा। हाँ। तो आज ताऊ जी ने जो ये फार्मूला बहुत बेहतरीन फार्मूला बताया, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है, आपका पशु दूध भी बढ़ाएगा इससे, दूध बढ़ाएगा, और बहुत अच्छा फार्मूला है। उम्मीद करूंगा साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम।